तुम गेम आर्टिस्ट बनना चाहते हो? हाँ हाँ। अब क्या है ना, गेम आर्टिस्ट बहुत टाइप के होते हैं और सबके अलग अलग काम होते हैं। अगर मैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं, तो एक तो हो गए अपने एसेट प्रोडक्शन आर्टिस्ट, जिसमें आते हैं 3D मॉडलर्स, कटिंग आर्टिस्ट, VFX आर्टिस्ट, इवन एनिमेटर्स भी। दूसरी तरफ होते हैं हमारे डिजाइन आर्टिस्ट, जैसे कि एनवायरमेंट डिजाइनर्स, कंसेप्ट आर्टिस्ट, UI डिजाइनर्स वगैरह वगैरह। नाउ अभी ऑब्वियसली तुम यही सोचोगे कि ये सारे टाइप के आर्टिस्ट आखिर काम क्या क्या करते हैं और तुम कैसे सीखोगे ये सारी स्किल्स, एंड सीखने के बाद फिर गेम इंडस्ट्री में गेम आर्टिस्ट की जॉब कैसे ढूंढोगे। ये सारे सवाल आ रहे ना दिमाग में? हाँ आ रहे, तो बता रहा हूँ ना, सुन ले। So, ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर बहुत डिटेल में देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हूँ मालिक, एक वीडियो गेम डिजाइनर और डेवलपर एंड को-फाउंडर ऑफ इंसैनिटी क्रू गेम्स, एंड हमारी कंपनी में ओवर 15 प्लस गेम आर्टिस्ट हैं। तो क्योंकि मैंने इतने सारे गेम आर्टिस्ट के साथ काम करा है एंड खुद भी गेम आर्ट करा है, तो होपफुली मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे पाऊंगा इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं एसेट प्रोडक्शन टीम पे। अच्छा, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं लोग? ओए चुप रहना, सीख ले, बता रहा हूँ ना। तो बेसिकली इस कैटेगरी में वो आर्टिस्ट आते हैं जिनको गेम के लिए प्लान करे गए जो भी एसेट्स हैं वो वन बाय वन बनाने होते हैं। उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, रेफरेंसेस, कंसेप्ट आर्ट्स दिए जाते हैं, जिनके हिसाब से वो गेम के सारे एसेट्स बनाते जाते हैं। तो ये लोग गेम के प्रॉप्स मॉडल करते हैं, VFX पे काम करते हैं, करेक्टर मॉडल्स बनाते हैं, इवन एनिमेशंस भी बनाते हैं। हाँ, एक्चुअली एनिमेशन भी एक तरह से आर्ट टीम का ही पार्ट होता है। तो ओवरऑल ये लोग गेम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स पे काम करते हैं, एंड अगेन हर एक काम के लिए एक अलग बंदा असाइन किया जाता है, ऐसे नहीं सबको दे दिया। दूसरी तरफ आते हैं डिजाइन आर्टिस्ट। ये कोई ऑफिशियल टर्म तो है नहीं वैसे, पर लेकिन इस कैटेगरी में वो आर्टिस्ट आते हैं जो आर्ट एसेट्स नहीं बनाते बल्कि गेम का ओवरऑल आर्ट डिजाइन करते हैं। आर्ट नहीं बनाते, डिजाइन करते हैं। क्या मतलब है इसका? सुनेगा पहले, सुनेगा। हाँ, तो डिजाइन के ना यहाँ पर बहुत मतलब निकाले जा सकते हैं। एक्चुअली इनका काम इस पे अधिक होता है कि गेम का आर्ट एग्जीक्यूट कैसे करा जाएगा। जैसे कि अगर कंसेप्ट आर्टिस्ट की बात करें, तो वो लोग ना गेम के थीम, आर्ट स्टाइल, स्टोरी वगैरह सब कुछ समझते हैं, एंड उसी हिसाब से गेम के डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को प्लान आउट करते हैं। ये लेवल या ये सीन गेम में कैसा दिखेगा, लाइटिंग कैसी होगी, क्या क्या चीजें होंगी उस सीन में, आर्ट स्टाइल क्या होगा, ये सब कुछ विजुअलाइज करते हुए सीन को ड्रॉ करते हैं वो लोग। तो बेसिकली प्रोडक्शन टीम जो एसेट्स बना रही है, वो एसेट्स जिस सीन में जाने वाले हैं, उस सीन की प्लानिंग यहाँ कंसेप्ट आर्टिस्ट कर रहा है। वो बेसिकली उस सीन को विजुलाइज कर रहा है और पूरी आर्ट टीम के लिए एक रेफरेंस तैयार कर रहा है। एंड दूसरी तरफ हम लोग बात करें एनवायरमेंट डिजाइनर्स या एनवायरमेंट आर्टिस्ट की, तो इनका काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंड मैंने खुद भी एनवायरमेंट डिजाइन पे बहुत काम करा है। तो बेसिकली हम ना गेम के सारे आर्टिस्ट को लेकर उनकी एक लेवल में प्लेसमेंट करके, लाइटिंग करके, एक पूरा का पूरा सीन तैयार करते हैं जैसा कंसेप्ट आर्टिस्ट ने विजुलाइज करा था। अभी काम ना जनरली यूनिटी और अनरियल जैसे गेम इंजन के अंदर होता है, पर लेकिन तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं एसेट प्रोड्यूस करने से भी ज्यादा कठिन होती है। पर लेकिन बात पता है क्या है, जब भी तुम एनवायरमेंट डिजाइन करते हो या फिर कोई भी 3D एसेट्स बनाते हो, तो तुम्हें ना बार बार अपना काम दिखाना पड़ता है अपने सीनियर्स और पीयर्स को, उनसे फीडबैक लेने के लिए और उस हिसाब से आर्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो तुम्हें टाइम टू टाइम अलग अलग एंगल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एनवायरमेंट की भेजना पड़ेगा उनको। पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे कैसे? जाऊं और ऐसे क्लिक करूं तो सिर्फ इतना ही पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, और यहां पर मैं अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर सकता हूं, अपना वीडियो ऑन कर सकता हूं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो बेसिकली मैं ये सब कर रहा हूँ हिट पाओ वीडियो कन्वर्टर पे। अभी ये कहने को वीडियो कन्वर्टर है, पर लेकिन इस टूल में तुम लिटरली बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब जैसे ही वीडियो MKV फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट हर जगह नहीं चलता है, तो मैंने इसको MP4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अरे कुछ भी नहीं है भाई, मैं इसमें कोई भी वीडियो क्रॉप कर सकता हूँ, फिल्टर्स ऐड कर सकता हूँ और वाटरमार्क ऐड कर सकता हूँ। भाई ये सीन मैंने बनाया है, और वो सब छोड़ दो भाई, इसमें तुम लिटरली इमेज जनरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपनी इमेज डालकर उसके ऊपर एक बहुत फनी सा प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, एंड उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आर्ट जनरेट करके दे देगा। अबे ये क्या बना दिया इसने? तो इससे ना तुम बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आर्ट बना सकते हो, और ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तुम इंटरनेट से कहीं से भी फ्री में वीडियो डाउनलोड कर लो, इमेज डाउनलोड कर लो, इमेजेस एडिट कर लो, कन्वर्ट कर लो, कंप्रेस कर लो, इसकी स्पीड बढ़ा घटा सकता हूँ, साउंड कम तेज कर सकता हूँ, इसमें वोकल रिमूवल, नॉइस रिमूवल, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, लिटरली सब कुछ है इसमें। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज अ गेम डेवलपर एंड वीडियो क्रिएटर मेरे को दिन भर ऐसे टूल्स ढूंढने पड़ते हैं, एंड बात ये है कि ये दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा इजी है, और तुम्हें एज एन आर्टिस्ट भी ये टूल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो जाओ यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर हिट पाओ वीडियो कन्वर्टर डाउनलोड करो, एंड मेरी लिंक से करना, ठीक है? तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे।
तो अभी तक हमने समझा था कैसे कंसेप्ट आर्टिस्ट और एनवायरमेंट आर्टिस्ट एसेट प्रोड्यूस करने की जगह गेम के ओवरऑल आर्ट पे काम करते हैं, सीन्स बनाते हैं। तो अब आते हैं यूआई डिजाइनर्स पे। ये बंदा ना गेम के थीम, आर्ट स्टाइल और यूजर बिहेवियर को काफी अच्छा एंड उस गेम के हिसाब से उस गेम के यूआई एलिमेंट्स जैसे कि मेन मेनू, पॉज मेनू, हड ओवरले, इन्वेंटरी सिस्टम, वेपन मेनू वगैरह वगैरह ये सब डिजाइन करता है फोटोशॉप या फिर फिग्मा जैसे टूल्स पे। तो ये हो गए हमारे सारे डिजाइन वाले आर्टिस्ट। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग ना इन सारे डिजाइनर्स और गेम आर्टिस्ट को हमेशा गेम डिजाइनर से कंफ्यूज कर देते हैं फॉर सम रीजन। एंड अब तुम पूछोगे गेम डिजाइनर अलग चीज होती है, क्या बात कर रहा है, चुप होएगा कि नहीं? ऑल्दो मैं कुछ इन वीडियोस में बता चुका हूँ गेम डेवलपमेंट की ओवरऑल पाइपलाइन के बारे में, स्टिल मैं यहाँ पर थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। एक गेम को बनाते हैं गेम डिजाइनर्स, गेम डेवलपर्स और गेम आर्टिस्ट्स। एंड ये जो गेम डिजाइनर होता है ये बेसिकली पूरे गेम का प्लानर होता है। ये पूरे के पूरे गेम प्ले को डिजाइन करता है, एक्चुअली सोचता है कि वो गेम खेला कैसे जाएगा, उसमें क्या क्या मिशंस होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, मैकेनिक्स होंगे वगैरह वगैरह, और फिर अपने सारे प्लान्स को डॉक्यूमेंट करता है और पूरी टीम से एग्जीक्यूट करवाता है। तो उसने जो गेम प्ले फीचर्स सोचे होते हैं को इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रामर का काम होता है, वो पूरे गेम प्ले को प्लेएबल बनाता है, और गेम आर्टिस्ट लोग गेम डिजाइनर्स के विजन और डायरेक्शन के हिसाब से गेम का पूरा आर्ट बनाते हैं। अब इतना समझ में आ गया हो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर तुम गेम आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो, सीखना कैसे है। तो सबसे पहले तुम्हें इन जनरल आर्ट के बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो तुम थोड़ी बुक्स और थ्योरीज पढ़ सकते हो आर्ट के बारे में और ऑब्जर्व करना शुरू करो दुनिया भर के आर्ट को, चाहे तुम फिल्म्स देखो, गेम्स देखो या फिर पूरी दुनिया देखो। तुम्हें बस डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स और सीन्स को स्टडी करना है, देखना है कि उनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो सीन को इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं या फिर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उस सीन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो कैसे दिखते हैं, उन चीजों के साइजेस पे ध्यान दो, शेप्स पे ध्यान दो, कलर्स पे ध्यान दो, इम्परफेक्शंस पे ध्यान दो, इन सारी चीजों को नोटिस करो अच्छे से एंड बस अच्छे से समझो दुनिया भर के आर्ट को। एंड बेसिकली अगर तुम ड्रॉइंग वगैरह करते रहते हो तो तुम्हारे लिए शायद काफी इजी हो जाएगा आर्ट को समझना। मतलब आवश्यक नहीं है कि तुम्हें ड्रॉइंग बहुत अच्छी आती हो, पर लेकिन ड्रॉइंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, अच्छा रहता है। एंड फिर ना मैंने जितने भी टाइप की इन आर्ट स्किल्स के बारे में बताया है उनको वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करो एंड जिस भी चीज में ज्यादा मजा आने लगे उस चीज को तुम चूज कर लेना एज अ मेन करियर। तो चलो एक एक करके इन सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है 2D आर्ट। 2D आर्ट के लिए तुम्हें फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसा सॉफ्टवेयर सीखना है और डिजिटल ड्राइंग सीखनी है, पेन टैबलेट का यूज कर सकते हो और धीरे धीरे करके ट्यूटोरियल्स के थ्रू 2D आर्ट बनाना शुरू कर दो। 2D कैरेक्टर्स, प्रॉप्स और सीन्स वगैरह बनाओ। इवन 2D एनिमेशन करना भी बहुत इजी होता है। नाउ 3D आर्ट पे आए तो 3D आर्ट दो तरीके से करा जाता है, हार्ड सर्फेस मॉडलिंग और ऑर्गेनिक मॉडलिंग। हार्ड सर्फेस मॉडलिंग में तुम सिंपल 3D शेप्स को मॉडिफाई कर करके एक 3D मॉडल बनाते हो एंड ऐसी चीजों की जो चीज जनरली ह्यूमन मेड होती है, जैसे कि कार्स, टेबल, चेयर, रेडियो, फ्रिज, एलिवेटर, कुछ भी हो सकता है। और इसमें तुम माया, 3ds मैक्स और ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो एंड ये काम बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है तो ड्राइंग स्किल्स उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बट जब तुम्हें कोई ऐसी चीज मॉडल करनी होती है जो ह्यूमन मेड नहीं है बल्कि एक नेचुरल चीज का मॉडल है, जैसे कि रॉक्स, टूटी हुई चीजें, कैरेक्टर, क्रिएचर्स और एनिमल्स वगैरह, तो इनको तुम्हें स्कल्प्ट करना पड़ता है। डिजिटल स्कल्प्टिंग भी कहीं ना कहीं उस टाइप की होती है जैसे कि तुम रियल लाइफ में मूर्तियां वगैरह को हाथों से स्कल्प्ट करते हो ना, बिल्कुल वैसे। दैट्स व्हाई स्कल्प्टिंग करते टाइम तुम्हारे पास हर छोटे छोटे इम्परफेक्शंस, प्रोट्रूजंस और कर्व्स वगैरह पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो हम ना ZBrush जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं स्कल्प्टिंग के लिए और डिटेलिंग के लिए पेन टैबलेट वगैरह रखते हैं। और अगर तुम कोई करेक्टर्स या स्पीशीज को स्कल्प्ट करोगे तो तुम्हें एनाटॉमी की नॉलेज लेनी पड़ेगी ताकि जब तुम उन स्पीशीज की बॉडी स्ट्रक्चर को डिजाइन करो तो वो थोड़ा रियलिस्टिक और सेंसिबल लगे देखने में। एंड अब आते हैं टेक्सचरिंग पे, यानी 3D मॉडल्स को रंग भरने पे। हम टेक्सचरिंग के लिए सबस्टेंस पेंटर जैसे एडवांस टेक्सचरिंग टूल्स यूज करते हैं और इन 3D मॉडल्स को ऐसे टेक्सचर्स और डिटेल्स से पेंट करते हैं जैसा तुम्हें रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। एंड एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ आते हैं VFX आर्टिस्ट पे। ये लोग धुआं, आग, चिंगारी, बिजली, पानी, गनशॉट जैसे बहुत सारे रियल टाइम इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए ये लोग अनरियल, यूनिटी और हुडिनी जैसे इंजन का यूज करते हैं। स्पेसिफिकली अनरियल का नाइग्रा सिस्टम बहुत एडवांस होते जा रहा है तो तुम्हें वो जरूर स्टडी करना चाहिए। देन 3D एनिमेशन पे आए तो तुम्हें ना एक रिग्ड करेक्टर का स्केलेटन हिलाना होता है, की फ्रेम्स चेंज कर करके एनिमेशंस करनी होती हैं। जैसे कि मेरा हाथ है, मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा और टाइमलाइन में एक सेकंड के बाद इसको इस पोजीशन पे कर दिया तो जो एनिमेशन बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी। एंड एक एनिमेटर को बॉडी मूवमेंट्स की, फिजिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी वो एक बहुत अच्छी रियलिस्टिक एनिमेशन बना पाएगा। तो एनिमेशंस ना ब्लेंडर, माया जैसे 3D सॉफ्टवेयर्स में भी हो सकती है और कास्केडर जैसे AI असिस्टेड टूल्स में भी। और डिजाइन आर्ट वाली चीजों के बारे में तो बता ही चुका हूं, जैसे कि कंसेप्ट आर्टिस्ट की इमेजिनेशन और ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए।
एनवायरमेंट आर्टिस्ट को डिफरेंट गेम्स खेल खेल कर उनका लुक अच्छे समझ में आना चाहिए और उन सीन्स को अनरियल में बना बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रॉब्ली एनवायरमेंट डिजाइन पे मैं एक कोर्स भी लेकर आऊंगा। मैंने एक यूआई डिजाइनर को यूजर बिहेवियर, ग्राफिक डिजाइन, फॉन्ट्स वगैरह की बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए यूआई बनाते रहना चाहिए। एंड दैट्स इट। ये सारे कामों में एक ही चीज कॉमन है, वो है आर्ट की अच्छी नॉलेज होना और ये सारे सॉफ्टवेयर सीखना, प्रैक्टिस करते रहना। वैसे कमेंट में बताना तुम क्या बनना चाहते हो इनमें से, पर तुम्हारा मेन क्वेश्चन तो अभी भी रह रहा है, ये सब सीखेंगे कहाँ? ये सब सीखेंगे कहाँ से? कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ तो बताया नहीं तूने? मैं बता रहा हूँ, मत बोल बीच में। तो हाँ, सीखना कैसे? अब देखो, बात रही कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। मतलब इंडिया में कॉलेजेस तो हैं भर भर के 3D आर्ट के ऊपर, पर लेकिन आधे ज्यादा कॉलेजेस या बनाते। भाई वनी चीज हो गई, इस वीडियो को बनाते टाइम ही मेरे को अपने दोस्त का कॉल आ गया, ठीक है? वो बोल रहा है मेरे को कि मेरा जो कॉलेज है वो UGC सर्टिफाइड नहीं है, मतलब सरकारी सर्टिफिकेशन ही नहीं मिला है, डिग्री ही मान्य नहीं होगी। तो भाई ऐसा हाल चल रहा है इंडिया का लिटरली, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई भी गेम आर्ट कॉलेज तुम्हें ढंग से कुछ भी सिखाएंगे? मतलब सर्टिफिकेशन तो एक अलग चीज हो गई, पर लेकिन ये स्किल्स भी अच्छे से नहीं सिखाते यार। मेरे को खुद ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट ड्रॉप आउट करना पड़ गया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये लोग मेरा काट रहे हैं एंड मैं तुम लोगों का कटने नहीं दे सकता। तो इसलिए जब भी तुम कोई कॉलेज ढूंढने जाओ ना गेम आर्ट के लिए, तो तुम रिसर्च बहुत ज्यादा करना उसके पीछे, जैसे कि उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ढूंढ के बात करना कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा, ढंग से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारी इंटर्नशिप जॉब वगैरह लगी कि नहीं, पोर्टफोलियो देखना उनका। तो ऐसे तुम्हें समझ में आ जाएगा वो कितना पानी में। कुछ कॉलेजेस जो मैं जानता हूँ वो है बैकस्टेज पास, NID, NIFT, ये तो भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तुम्हें UCET, CET वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है, पास हो जाओ तो बढ़िया है और रिजर्वेशन का फायदा भी उठा सकते हो अगर जनरल नहीं हो तो। पर ये ना बड़ा क्रिएटिव एग्जाम होता है, ये UPSC JEE जैसा डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब डिफिकल्ट होता है पर लेकिन क्रिएटिव और आर्टिस्टिक सेंस में होता है। तो ये तो हो गए भाई आर्ट डिजाइन के कॉलेजेस की बात। अब तुम मेरे से आकर ऑनेस्टली पूछो कि भाई मैं क्या रिकमेंड करता, तो मैं भाई इतना बोलता कि कॉलेजेस की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें हद से ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा सेल्फ लर्निंग पे, क्योंकि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ना दुनिया भर के सबसे बेस्ट आर्टिस्ट लिटरली फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो जाकर उनसे सीखो ना, तुम्हें इतने ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने को। पर लेकिन सीखने के लिए टाइम अच्छे से देना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा जितना एक एक्चुअल कॉलेज खोलोगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त जो बहुत अच्छे फ्रीलांस गेम आर्टिस्ट हैं, काफी पैसा कमाते हैं, उन्होंने गेम आर्ट ना कम्प्लीटली खुद से सीखा था और सेकेंडली एक्सपीरियंस गेन करके, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करके, गेम्स पे काम करके। तो यही चीज तुम्हें आगे बढ़ाने वाली है किसी डिग्री से ज्यादा। डिग्री स्पेसिफिकली गेम इंडस्ट्री के अंदर तो एक फॉर्मेलिटी ही होती है जिसको कोई उतना सीरियसली नहीं देखता, पर लेकिन अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा है ना, तो तुम्हें एक IIT की डिग्री से भी आगे रखा जाएगा गेम आर्ट के मामले में। कंपनीज को काम चाहिए, कागज नहीं। अब काम दिखाने के लिए तुम्हें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि मैंने जितनी भी स्किल्स के बारे में बताया उनसे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स ढूंढो, कोर्सेज ढूंढो, कुछ कोर्सेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लगातार कुछ ना कुछ आर्ट बनाते जाओ, प्रोजेक्ट करते रहो और उन प्रोजेक्ट्स की इमेजेस लेकर एक फ्री वेबसाइट बना दो जिसमें तुमने अपना सारा काम दिखा रखा हो, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं और उसी के बेस पे जॉब मिलती है। पर लेकिन एक बहुत सीरियस चीज ध्यान रखो कि तुम कितना भी सीख लो, एक्चुअल एक्सपीरियंस तुम्हें एक इंटर्नशिप के अंदर ही मिलेगा जब तुम एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू करोगे। वैसे लोग छोटे मोटे 3D मॉडल्स बना के खुश हो जाते हैं और उनको रियलिटी चेक मिलता है नहीं, और बहुत सारे लोग 3-4 साल कोर्स करके बैठे रहते हैं और उनको जॉब ही नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं करते पहले, प्रॉपर इंटर्नशिप नहीं करते पहले। तो एक अच्छे स्टार्टअप या गेम कंपनी को ज्वाइन करो और उसके थ्रू सीखो। एंड बहुत सारे लोग एक मेजर गलती करते हैं कि अपनी स्किल्स को रिफाइन नहीं कराए, पर लेकिन पहले एक पेड जॉब ढूंढने लगते हैं या पेड इंटर्नशिप ढूंढने लगते हैं। तो ध्यान रखो, इंटर्नशिप तुम्हें पेड मिले या अनपेड, पर स्टार्टअप अगर अच्छा है ना, वो जो गेम्स बना रहे हैं वो क्वालिटी के हैं, तभी तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा और अच्छी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो पाएगी तुम्हारी। एंड हाँ, इसीलिए हमने यानी इंसेंटी क्रू ने भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है। एंड इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे गेम आर्टिस्ट और गेम डेवलपर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर तुम भी इंसैनिटी क्रू को ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज हमें मेल करो team@insanitycrew.com पे अपने वर्क के साथ, एंड लिख देना तुम मेरे चैनल से आए हो तो मैं समझ जाऊंगा। नाउ ओवरऑल मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई कि गेम आर्टिस्ट तुम लोगों को कैसे बनना है, एंड आई होप इस वीडियो ने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। भाई साहब, काश इतनी गाइडेंस मेरे जमाने में मिल गई होती।
सो भाई हिट पॉ जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेम आर्टिस्ट लोगों को बहुत काम आने वाला हिट पॉ, एंड ये लाइक का बटन तुमसे दबाया तो जाता है नहीं, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी, और कमेंट करके थोड़ा प्यार बरसाने में क्या जा रहा है। और सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही लेना चाहिए, नहीं तो अगर मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा गेम डेवलपमेंट के ऊपर तुम्हें गाइड करते हुए, तो तुम्हें कैसे मिलेगा वीडियो। सब्सक्राइब बेल आइकन दबाओ, मेरे वीडियोस को देखते जाओ, बिकॉज दिस इज योर फ्रेंड असासुर मारे।